स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। यार तूने 3:30 का टाइम दिया था ना, 4:15 बजने को हैं। तू बेकार ही वेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। जस्ट शट अप यार ऋषि, वो आएगी। देख यार, मैं तुझे आज एक पते की बात बताता हूँ नैतिक। शादी का क्या है यार, घर वालों ने देखा परिवार अच्छा है, लड़की ने देखा लड़का इतना भी बुरा नहीं है, पुश्तैनी पैसा है, अमीर खानदान है, नौकर चाकर है, कट जाएगी जिंदगी। और हाँ कर दी, शादी तो है शादी, ऐसे ही तय हो जाती है। लेकिन हाँ, शादी अच्छी या बुरी जरूर हो सकती है। देख अगर लड़की को तेरी फिक्र है, तेरे सेंटीमेंट की कदर है, तो तेरी लाइफ सेट है। अगर नहीं तो अपनी बेकार की बकबक बंद करेगा। यहाँ कोई शादी भी तेरा भाषण सुनने के मूड में नहीं है। ओके, नाराज क्यों हो रहा है यार, मैं तो बस ये कह रहा हूँ अगर आज हमारी होने वाली भाभी यहाँ आती है तो नैतिक की लाइफ सेट है, और अगर नहीं तो बेचारा नैतिक। थोड़ी ना ऋषि, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं जाती हूँ, पर प्लीज अक्षरा भाभी आप दादा से मिलने जरूर जाएगा, वरना वो इंतजार करते रहेंगे। लेकिन मैं नहीं जा सकती वर्षा। क्यों नहीं जा सकती? तुझे उसकी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है। बेचारा, कितने मन से बुलाया उसने तुझे, और जरा देर उससे मिलाएगी तो क्या बिगड़ेगा तेरा? लेकिन माँ बाबूजी, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? लेकिन मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है वर्षा। तुझे डर सिर्फ माँ और बाबूजी की वजह से नहीं लग रहा है ना, तो अपने आप से भी डर रही है ना? हाँ, तू जानती है ना मैं ये सब कुछ, मैं ये सब नहीं कर सकती वर्षा। मैं जा रही हूँ, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। अक्षरा, मुझे लगता है हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही नहीं आई जिसकी आरजू में हमारे नैतिक मियाँ मजनू बने बैठे हैं। हम तो कहते हैं जिस लड़की को तेरे जज्बातों की कदर नहीं, बेकार है, चाहे वो जन्नत की हूरी की ना हो। तू उसे चढ़ाना बंद करेगा ऋषि, तेरी जो मस्करी है ना इस समय इरिटेट कर रही है। और जहां तक ये सवाल है कि वो आएगी या नहीं, तो लेट मी टेल यू, वो जरूर आएगी। हाँ, और किसी भी वक्त आती होगी, देख लेते हैं। ऋषि ठीक कह रहा है मोहित, कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगी। लेट्स गो। Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.